वीवीआईपी के घर पर मौखिक आदेश से ड्यूटी नहीं करेंगे सीआरपीएफ जवान, होगी पुराने नियम की वापसी। हुआ खबर का असर, जल्द होगा नया नियम लागू। संबंधित सीओ इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। मौखिक आदेशों पर कार्यरत सीआरपीएफ जवानों को वापस बुलाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खुरबाजी के इस अड्डे पर। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान जो महज एक मौखिक आदेश से केंद्रीय मंत्री, दर्जनों पूर्व डीजी, एडीजी के घरों पर वर्षों से कार्यरत हैं, अब उनकी वापसी होगी। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद बल मुख्यालय में अहम बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि मौखिक आदेशों पर कार्यरत सीआरपीएफ जवानों को वापस बुलाया जाएगा। संबंधित सीओ इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से कार्यरत बल के सभी जवान अपनी मूल बटालियन में लौट आए। जिन वीवीआईपी के घर पर जवान कार्यरत हैं, उन्हें समझाया जाएगा। वीवीआईपी लोगों में पूर्व डिप्टी पीएम का नाम भी शामिल। पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी के घर पर 12 मार्च 2015 को 3 सीआरपीएफ जवान भेजे गए थे। इसके लिए बल मुख्यालय की एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डीआईजी द्वारा सिग्नल जारी किया गया था। तीन जवानों में सामान्य ड्यूटी वाले सिपाही प्रदीप कुमार, नरेंद्र कुमार और जीडी पंजा शामिल हैं। एक मौजूदा सांसद जो मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं, उनके घर पर भी तीन जवान लंबे समय से कार्यरत हैं। खास बात यह है कि तीनों जवान बिना किसी लिखित आदेश के भेजे गए हैं। इन जवानों के रवानगी आदेश में मौखिक आदेश लिखा है। इन कर्मियों में बी बालकृष्ण नया, अशोक कुमार और एन एस बेहरा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ राय को आईजीपी एनएस के सिग्नल पर 2015 से एक कर्मी मुहैया कराया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मौखिक आदेशों से ही एक कर्मी प्रदान किया गया है। मौखिक आदेशों वाली सूची में डीजी, एसडीजी, एडीजी भी। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी आरआर भटनागर को जवान मुहैया कराने के लिए 24 जुलाई 2019 को प्रशासनिक शाखा से आदेश जारी हुआ था। जेएसडीएम नॉर्थ ब्लॉक को एक कर्मी, संयुक्त सचिव पुलिस एमएचए को एक कर्मी और जीएसपीपी डिवीजन एमएचए को भी एक कर्मी प्रदान किया गया है। इनके लिए एमएचए की तरफ से आदेश जारी हुए थे। नियमों का उल्लंघन करने में बल के पूर्व डीजी भी पीछे नहीं। विक्रम श्रीवास्तव पूर्व डीजी सीआरपीएफ 2021 से मौखिक आदेश पर सीआरपीएफ जवान को अपने घर पर रखे हैं। एसआईएस अहमद पूर्व डीजी सीआरपीएफ को 2021 से मौखिक आदेश पर यह सुविधा मिली है। किशोर झा आईपीएस एडीजीपी रिटायर्ड को एक कर्मी नई दिल्ली रेंज के सिग्नल द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।